नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और अभी अभी सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर वो अपडेट है क्या। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीबीएसई ने अपनी सभी एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है, जो कि उसने 1 से 15 जुलाई के बीच में ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया था। तो अब जितनी भी क्लास 10th और 12th की एग्जाम्स थी वो बिल्कुल नहीं होने वाली है और जो भी बच्चे हैं उनको आगे के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रमोशन मिलेगा वो मिलेगा आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, मतलब लास्ट आपने जो भी 2 एग्जाम्स दी है उनके बेसिस पर आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और आप मान के चलिए लगभग सभी बच्चों को वहाँ से पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई ने एक बात कही है कि वो क्लास 12th के एग्जाम्स आगे लेंगे, लेकिन अब वो एग्जाम्स ऑप्शनल होगी। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे अपनी मार्क्स से सेटिस्फाई होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो उन ऑप्शनल एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जेई मेन्स और नीट के लिए कोई खास अपडेट नहीं आया, लेकिन अभी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी अब आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि देश में कोविड के केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो भी क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के बच्चे हैं जो अपनी आने वाली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनको अब वो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और अब आप इस एग्ज़ाम के पूरे स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। तो बिल्कुल अब आप आगे कॉलेज की तैयारी कीजिएगा और हमारे चैनल पर हमने आपके लिए करियर काउंसलिंग की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रखा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और आगे भी अगर कोई भी अपडेट आता है सीबीएसई की तरफ से तो डेफिनेटली मैं आपको वेरीफाइड सोर्सेज से खबर लेकर यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।